नमस्कार, आप देख रहे हैं नीच। तो चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का। आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस अभी बताया जाता है कि काफ़ी हाईटेक हो गया है। पोस्ट ऑफिस में अभी बैंक खोल गया है। पोस्ट ऑफिस में अभी अलग अलग सर्विसेज जो है वो सारा सब कुछ अपग्रेड हो गया है। लेकिन डीमा हसाओ में पोस्ट ऑफिस किस तरीके से चल रहा है, उसका उदाहरण हमने न्यूज़ असम हिल्स यानी कि NH में काफ़ी समय आप लोगों को दिया है। हमने आप लोगों को दिखाया कि हाफलॉन्ग पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट में भी कितने सारे एलिगेशंस हैं और हाफलॉन्ग पोस्ट ऑफिस किस तरीके से अपना काम कर रहा है, उसके बारे में भी हमने आप लोगों को काफ़ी समय बताया है। अभी हम आपको बता रहे हैं लांगटिंग का। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये लांगटिंग पोस्ट ऑफिस का है और लांगटिंग पोस्ट ऑफिस में भी इसी तरीके से काम हो रहा है। यानी कि चिट्ठी अगर कोई डालता है तो उसको कम से कम जगह तक पहुंचने में भी एक डेढ़ महीना लग जाता है, और जब पब्लिक उसके इंक्वायरी करने जाता है तो जो कर्मी है पोस्ट ऑफिस का वो लोग अलग अलग बहाना बनाते हैं और पब्लिक को इसी तरह से उन लोग घुमाते रहते हैं। हम आप लोगों को बता दें कि काफ़ी सारा ऐसे चिट्ठी है, काफ़ी सारा अपॉइंटमेंट लेटर्स है, काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है ज़रूरी जो पोस्ट के द्वारा ही आता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो हाल है डिमा हसाओ में वो देखते ही बनता है। एक कस्टमर जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी पोस्ट किया था, उनके साथ क्या हुआ, चलिए आप लोगों को सुनाते हैं। ठीक है, जुलाई का 14 में मतलब रिसीव कर लिया था यहाँ से और मुझे क्या भी दिया था। तो उसके बाद में मैंने आके पूछा, 3 दिन के बाद में मेरा लेटर पोस्ट हुआ कि नहीं, तो बोला नहीं हुआ, सर्वर डाउन है, क्या इश्यू है, नेटवर्क इश्यू है, ऐसे बोल के। ठीक है, उसके बाद में मैं फिर से आया 7 डेज के बाद में, फिर होते होते लास्ट में 29 को बोला कि मेरा लेटर BO के पास में दे दिया। ठीक है, ये भी मान लिया मैंने, इतना दिन का गैप हो गया तो बोला सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। ठीक है, मैं भी वो भी मान लिया। फिर उसके बाद में मैं कितना दिन बाद मैं जाके देखा, फिर BO के पास में है कि नहीं है बोला, तो मुझे मेरा AD कार्ड दे दो अगर लेटर पोस्ट हो गया तो। बोला फिर कि AD कार्ड तो नहीं है, कहाँ चला गया, क्या चला गया, मतलब क्या है, मुझे हेरेसमेंट कर रहा है क्या, पब्लिक को, आम जनता को हेरेसमेंट कर रहा है क्या ये पोस्ट ऑफिस को। उसके बाद में जो लेटर आता है वो इतना दिन लग जाता है पोस्ट होते होते, ऐसे होने से तो कैसे चलेगा। अभी बोल दिया मॉडर्न मॉडर्न है बोला, इंटरनेट से चलता है बोला, कहाँ, वो पहले का ही ज़्यादा ठीक था। इतना इशू है अभी लांगटिंग पोस्ट ऑफिस में, तो आके बात किया तो बोलता है ये मेरा इशू नहीं है। अरे पोस्ट मास्टर का ही जो इशू है ये, हम पोस्ट मास्टर के पास में नहीं जाएंगे तो किसके पास में जाएंगे, बोलिए ना। तो यही है, मतलब खाली बोलता है नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है और काम नहीं, इतना दिन आके देखना पड़ता है ये पोस्ट ऑफिस में और तब भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। पूछता है तो जाके वहाँ पूछो, जाके वहाँ पूछता है तो फिर यही आंसर मिलता है। इतना से यहाँ से वहाँ तक के ही देना है वो लेटर, टू इस पार्टिकुलर लांगटिंग में ही देना था वो लेटर। उसके बाद में बोलता है कि वो AD का सिलचार चला गया क्या, ये शायद झूठ भी बोल सकता है। इन लोग को कुछ गारंटी नहीं है ये लांगटिंग का पोस्ट ऑफिस को, तो हमेशा बात टालते ही रहता है। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ कि हायर अथॉरिटी का ये पोस्ट ऑफिस को ये एक्शन लीजिए, ऐसे वाला आदमी लोगों को ऐसे रहने से तो काम भी नहीं चलेगा। लांगटिंग का अगर जॉब का कुछ सिलसिला है तो जॉब भी आदमी लोगों को हाथ धोना पड़ेगा इस पोस्ट ऑफिस का कारण। तो इस सिलसिले में लांगटिंग के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मी हैं उन लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को एक बार ये भी सुनाते हैं। मतलब वो टेक्निकल इशू के वजह से वो इधर बहुत दिन पेंडिंग था, मतलब इनवॉइसिंग नहीं हो रहा था उसका, क्योंकि लिस्ट निकाल नहीं पा रहा था। मतलब वो जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है ना स्टेप बोल के, उधर लिंक नहीं था। तो जब लिंक आया तो हम उसको लिस्ट बना के दे दिया। उसके बाद वो डिलीवर हुआ, डिलीवर भी हो गया, मतलब ऑन टाइम डिलीवर हो गया। लेकिन जो AD कार्ड है ना, वो AD कार्ड गलती से सिलचर चला गया, मतलब सिलचर का बैक पे घुस गया वो। सर मतलब क्या लिंक यहाँ पे हमेशा ऐसे रहता है या कैसा? लिंक का बहुत प्रॉब्लम है इधर, और फर्स्ट ऑफ ऑल करंट का प्रॉब्लम बहुत है। कभी कभार कंटिन्यूसली 2 दिन करंट नहीं रहता है, कभी कभार 10 दिन तक भी नहीं रहता है। तो करंट नहीं रहने से तो काम नहीं होता है। कि इन्वर्टर है ऑफिस पे, लेकिन इन्वर्टर चार्ज कहाँ से होगा, करंट नहीं रहेगा। मेन प्रॉब्लम करंट का है। फिर आता है लिंक का प्रॉब्लम, मतलब लिंक अप डाउन होता रहता है, काम मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है। तो देखा है जो इंड्रेस का जो पोस्ट था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका तो अभी जो अभी बैक बहुत दिन बैक हो गया है, उसका क्या कहने चाहेंगे उसके बारे में? ऐसा नहीं कि एंड्रूस का ही इंपॉर्टेंट है, सबका काम हम लोग इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी लेटर पोस्ट करे या कोई इधर आके रिसीव दो लेटर लोगों को डिलीवर करना होता है, सब इम्पोर्टेंट होता है, हर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट होता है हमारे। लेकिन लिंक की वजह से मतलब पेंडिंग पड़ा रहता है। ऐसा क्या हमेशा ऐसा
दूसरों को भी होता है या कैसा है? मतलब जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया इधर लिंक का प्रॉब्लम होता ही रहता है। मतलब आपको कहना, मतलब ऑनलाइन के बाद में मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहा है? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे रहा है। पहले तो ऑफलाइन शॉप क्लियर था, रोज का काम रोज हो जाता था, लेकिन जब ऑनलाइन सर्वर हो गया तो वो लिंक नहीं रहता है। तो सभी जी इंटरेस्ट का जो है कागज, वो कब तक वापस आएंगे या कैसे आएगा सब, उसके बारे में कुछ थोड़ा कुछ? देखिए इधर से तो बैग सिलसर से डिस्पैच हो गया है, तो सिलसर जब वो शॉर्टिंग होगा फिर आ जाएगा। मतलब कब तक आएगा कुछ, मतलब बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा, तो चलिए आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे का। आप लोगों को पता है कि अभी इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन बाकी है, और इस बीच डिमाहासा पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो अच्छी तरीके से लोग मना पाए, और पुलिस की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब चेकिंग स्टार्ट हो गया है। पुलिस कोशिश कर रहा है कि कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स डिमाहासा में अंदर ना घुस पाए, और इसी के चलते आज देखा गया है कि लांगटिंग पुलिस ने लांगटिंग स्टेशंस और रेलवे ट्रैक में भी अपना गश्त बढ़ा दिया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये लांगटिंग पुलिस का दृश्य है, जब वो लोग गश्त कर रहे थे रेलवे ट्रैक्स पे। तो इसी तरह देखते रहे एनएच, और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।